नमो नमो जगन्नाथ जगत जीवन, नमो नमो जगन्नाथ लक्ष्मी प्राण धन, नमो नमो जगन्नाथ अगतिर गति, नमो नमो जगन्नाथ बौद्ध मूरति, नमो नमो जगन्नाथ अत्रहि भंजन, नमो नमो जगन्नाथ दुष्ट निशोधन, नमो नमो जगन्नाथ त्रिपुर बिहारी, नमो नमो जगन्नाथ भक्त त्राणकारी। भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करके 100,000 शल्यग्राम के ऊपर विराजमान करते हैं। भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की मुख निश्रुत वाणी आजकल जिसे हम मालिका के रूप में जानते हैं, तो दोस्तों आज हम उसे शब्द ब्रह्म रूपक गंगा में स्नान करके अपने आप को पावन करें। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी ग्रंथ जाई फूलो मालिका में कलियुग में होने वाले महापाप को वर्णन करते हुए ये कहा है, महाकली जेते बेले आसी आच्छादिव मही मंडलेल जाई फूल हिंसा बाद हेव परस्परे। कलियुग को 3 भाग में विभक्त किया गया है, एक है आद्यकली, दूसरा है मध्यकली और तीसरा है प्रांतकली। हम लोग अभी जिस समय में जी रहे हैं इसे प्रांतकली कहते हैं। कलियुग को 5,000 साल भोग हो चुका है और हम सभी लोग एक नूतन युग की तरफ बढ़ रहे हैं। महापुरुष यहाँ कहते हैं, जब घोर कली का आगमन होगा समस्त प्राणी हिंसा द्वेष छल और कपट जैसे भाव को आचरण करेंगे और उनके मन में दया प्रेम और श्रद्धा जैसे भाव नहीं रहेगा। आजकल के समाज में ये सभी चीजें देखने को मिल रहा है, अर्थात अभी कलियुग का खत्म होकर एक नूतन युग का प्रारंभ होने जा रहा है। मनुष्य अपने मन में प्रेम श्रद्धा और भक्ति के भाव को धारण करके देवता के समान हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर इंसान के मन में प्रेम श्रद्धा और भक्ति के जगह पर हिंसा द्वेष और छल कपट आ जाता है तो वो राक्षस की जोनी को प्राप्त करता है। ग्रामे ग्रामे छेड़ी हणा देखी देवादेवी हुई बे बणा लो जाई फूल घोर लागिजीव रात्रि हणा। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि हर गांव में देवी देवताओं के सामने बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी, जिसे देखकर समस्त देवी देवता बड़ा विचलित होंगे और उनके मन में क्रोध आएगा, जिसके कारण यह समग्र संसार में असंतोष का वातावरण फैल जाएगा। लोग चाहकर भी खुशी से अपनी जिंदगी गुजर नहीं पाएंगे। दुष्ट और खल स्वभाव के लोग रात की घोर अंधकार में लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे और लोगों को जान से मार देंगे। ये समस्त घटना अभी समाज में दिखने को मिल रहा है। मनुष्य अब इतना नीचे गिर चुका है कि उसे सही और गलत के बीच में अंतर नहीं दिखता। आजकल के समाज में जिस तरह प्राणियों का वध हो रहा है, इंसान को इसका मोल जरूर चुकाना पड़ेगा। समस्त कंट्रोल हेव कागजे कागजे पृथ्वी चली वल जाई फूल देशे टंका पैसा नथिव। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है कि लोगों को पैसों के अतिरिक्त और कुछ दिखेगा नहीं। हमारे हिसाब से अब वह समय आ चुका है, क्योंकि लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि पैसा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आजकल की सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग निर्जीव वस्तु के पीछे ऐसे भागते हैं कि जैसे वो ही सब कुछ है। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है कि लोगों के पास एक भी रुपया नहीं रहेगा, जिसके कारण लोगों के मन में इतना गर्व इतना घमंड है, उनका जो सारे गर्व और घमंड चूरमार हो जाएगा। भगवान को आनंद कंद कहा गया है। जो वास्तविक आनंद और खुशी वो भगवान से ही प्राप्त होता है। किसी भी भौतिक वस्तु से मन को वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।